बहुत शोर है, बहुत यहाँ पे ट्रक्स बस जा रहा है, साउंड पता नहीं है कैसे आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ सेंटोसा। और सेंटोसा आइलैंड किस तरीके से जाया जा सकता है और वहाँ पे एंट्री फी क्या है, क्या क्या अट्रैक्शन देखने लायक है और क्या क्या अट्रैक्शन का क्या एंट्री कॉस्ट होता है, वो सारा का सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। आप जलान बेसर से भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको चेंज करके जाना होगा। तो मैं पैदल जा रहा हूँ फेरार पार्क, जो MRT स्टेशन है वहाँ पे। फेरार पार्क MRT स्टेशन पे अगर आप ट्रेन MRT लेते हैं तो वो डायरेक्ट हार्बर फ्रंट पे रुकेगा, और हार्बर फ्रंट से आपको फिर सेंटोसा एक्सप्रेस हो या वहाँ से किस तरीके से जाया जा सकता है, मैं वो आपको वहाँ पे जाके बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ कि मैं अभी जा रहा हूँ फेरार पार्क, और फेरार पार्क से मुझे MRT लेके जाना है हार्बर फ्रंट, और फिर वहाँ से जाना है मुझे सेंटोसा। मैं पहुंच गया हूं फेरार पार्क MRT स्टेशन पे, और MRT लेने के लिए मुझे अपना EZ-Link कार्ड को यहां टैप करना है, और मेरे कार्ड में अभी बैलेंस है $10.70। फेरार पार्क से मुझे नॉर्थ ईस्ट लाइन MRT लेना है। नॉर्थ ईस्ट लाइन का एक ट्रेन जाता है हार्बर फ्रंट की तरफ और एक ट्रेन जाता है पुंगोल की तरफ, तो मुझे लेना है हार्बर फ्रंट की तरफ जाने वाला ट्रेन जो कि प्लेटफॉर्म नंबर A पे आएगा। करीब 20 मिनट जर्नी करने के बाद मैं पहुंचा हार्बर फ्रंट स्टेशन पे। ट्रेन से उतर के कुछ दूर चलते ही मुझे दिखाई दिया वीवो सिटी मॉल जाने का एक साइन बोर्ड, और वीवो सिटी मॉल जाने के लिए मुझे अपना EZ-Link कार्ड को फिर से टैप करना है। और फेरार पार्क से हार्बर फ्रंट स्टेशन पे पहुंचने के बाद मेरे कार्ड में बैलेंस है $9.48, यानी इस जर्नी के लिए मेरा खर्च हुआ है $1.22। वीवो सिटी मॉल लिंक्ड है हार्बर फ्रंट स्टेशन से। सेंटोसा आइलैंड जाने के लिए वीवो सिटी मॉल से आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, और इसलिए मैं आया हूँ वीवो सिटी मॉल के एंट्रेंस पे, और ये है वीवो सिटी मॉल ग्राउंड फ्लोर के इनसाइड व्यू। ये मॉल बहुत ही बड़ा और इसमें हर तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 दिन है सेंटोसा के लिए, सो ये मॉल को मैं बाद में कभी घूमूंगा। अब किस तरीके से सेंटोसा आइलैंड जा सकते हैं, तो पहले मैं आपको मैप पे लेके चलता हूँ। ये है पूरा सिंगापुर का मैप, और इस मैप के नीचे ये जो छोटा सा आइलैंड दिखाई दे रहा है ये है सेंटोसा आइलैंड। सेंटोसा आइलैंड जाने के लिए आपके पास कुछ 4 ऑप्शंस हैं, जैसे कि माउंट फेवर लाइन केबल कार, सेंटोसा एक्सप्रेस, सेंटोसा ब्रॉड वॉक, और पब्लिक बस, टैक्सी या फिर प्राइवेट कार। तो पहले जान लेते हैं माउंटेन फेवर लाइन केबल कार के बारे में। देखिए, ये है वीवो सिटी मॉल, और यहाँ से सिर्फ 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है माउंट फेवरलैंड केबल कार का डिपार्चर स्टेशन। ये रूट सबसे सीनिक और ब्यूटीफुल है, यहाँ से आपको सबसे बेस्ट व्यू मिल सकता है। मैं पहले आपको माउंट फेवरलैंड केबल कार का रूट समझा देता हूँ। देखिए, इस केबल कार का स्टार्टिंग पॉइंट है माउंट फेवरलैंड केबल कार स्टेशन, इसके बाद अगला स्टेशन आएगा हार्बर फ्रंट टावर 2 स्टेशन, और तीसरा यानी लास्ट स्टेशन है मार्लिन सेंटोसा स्टेशन, जो कि सेंटोसा आइलैंड में ही है। अगर आप चाहे तो आप माउंट फेवरलैंड केबल कार स्टेशन से ये केबल कार का मजा ले सकते हैं, और अगर मेरे तरह वीवो सिटी मॉल जाना चाहते हैं तो बिंदास जाइए, क्योंकि यहां से भी आप इस केबल कार का मजा ले सकते हैं। और वैसे भी सेंटोसा आइलैंड जाने के लिए ज्यादातर ऑप्शंस ये वीवो सिटी मॉल से ही मिलेगा। इस वीवो सिटी मॉल से सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है हार्बर फ्रंट टावर 2 स्टेशन, आपको सिर्फ साइन बोर्ड को फॉलो करके यहाँ पे जाना है। आप इस केबल कार का टिकट माउंट फेवर पार्क स्टेशन, हार्बर फ्रंट स्टेशन, मार्लिन सेंटोसा स्टेशन से भी खरीद सकते हैं। इसका टिकट 2 टाइप के होते हैं, एक है माउंट फेवर लाइन राउंड ट्रिप, जिसका टिकट प्राइस है $33, चाहे आप माउंट फेवर स्टेशन से ये केबल कार ले या हार्बर फ्रंट टावर 2 स्टेशन से ले। दूसरा है सिंगापुर केबल कार स्काई पास। स्काई पास का मतलब इसमें माउंट फेवर लाइन केबल कार के साथ सेंटोसा लाइन केबल कार का भी आप मजा ले सकते हैं। सेंटोसा लाइन केबल कार का रूट मैं आपको बाद में समझाता हूँ, फिलहाल इतना जान लीजिए कि इसका टिकट प्राइस है $35, चाहे आप माउंट फेवर पार्क स्टेशन से केबल कार ले या हार्बर फ्रंट टावर 2 स्टेशन से। दूसरा ऑप्शन है सेंटोसा एक्सप्रेस। मैं पहले आपको सेंटोसा एक्सप्रेस का रूट समझा देता हूँ।
देखिए सेंटोसा एक्सप्रेस वीवो सिटी मॉल के लेवल 3 से डिपार्ट होता है और पहुंचते हैं सेंटोसा आइलैंड के वाटरफ्रंट स्टेशन पे। इस सेंटोसा एक्सप्रेस का टोटल 4 स्टेशन है। पहले स्टेशन का नाम है सेंटोसा स्टेशन, जो कि वीवो सिटी मॉल के लेवल 3 में है, और इस स्टेशन के बाद जो स्टेशन आता है उसका नाम है वाटरफ्रंट स्टेशन, जो कि सेंटोसा आइलैंड में एंटर करने के लिए पहला स्टेशन है। फिर वाटरफ्रंट स्टेशन के बाद तीसरा स्टेशन आता है इम्बिया स्टेशन, और उसके बाद आता है बीच स्टेशन, जो कि आखिरी स्टेशन है। सेंटोसा एक्सप्रेस लेने के लिए मैं पहुंचा वीवो सिटी मॉल। वीवो सिटी मॉल पे आने के बाद मुझे जाना है लेवल 3 पे। लेवल 3 पे है सेंटोसा स्टेशन। इस स्टेशन पे एंटर करने के लिए मुझे अपना इजीलिंक कार्ड को टैप करना है, और अगर आपके पास इजीलिंक कार्ड नहीं है तो आप काउंटर से सेंटोसा पास भी ले सकते हैं। सेंटोसा पास अगर यूज करते हैं तो उसके लिए आपको पे करना होगा $4, और अगर इजीलिंक कार्ड आप यूज करते हैं तब भी आपको इजीलिंक कार्ड से $4 ही डिडक्ट होगा। $4 में आप सेंटोसा स्टेशन से सेंटोसा आइलैंड का राउंड ट्रिप कर सकते हैं, मतलब $2 जाने का और $2 आने का। और सिर्फ राउंड ट्रिप ही नहीं, आप सेंटोसा आइलैंड के अंदर जो 3 स्टेशन है यानी वाटरफ्रंट स्टेशन, इम्बिया स्टेशन और बीच स्टेशन, इन तीनों स्टेशन के बीच में एक दिन में आप अनलिमिटेड टाइम ट्रांसफर यूज कर सकते हैं, और इसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना होगा। ये सेंटोसा एक्सप्रेस का फ्रीक्वेंसी भी बहुत बढ़िया है, लगभग हर 8 से 10 मिनट पे ये ट्रेन मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन है सेंटोसा ब्रॉड वॉक। ये एक वॉकेबल ऑप्शन है, आप पैदल सेंटोसा आइलैंड जा सकते हैं। इस वॉकेबल ब्रिज से व्यू भी काफी अच्छा मिलता है। पहले इसका $1 टिकट प्राइस था, लेकिन अभी के लिए ये बिल्कुल फ्री है। इस ब्रॉडवॉक का स्टार्टिंग पॉइंट वीवो सिटी मॉल के आउटसाइड में है, और दूसरा एंड सेंटोसा आइलैंड के ट्री काई म्यूजियम के बगल में है। ये टोटल 700 मीटर लंबा है, और टूरिस्ट को ज्यादा तकलीफ ना हो इसलिए यहाँ वॉकिंग एस्केलेटर का फैसिलिटी भी है। चौथा ऑप्शन है पब्लिक बस, टैक्सी या प्राइवेट कार। पब्लिक बस से आप सेंटोसा आइलैंड जा सकते हैं, और उसके लिए आपको गूगल मैप से बस नंबर देखना होगा। पब्लिक बस का जो डिस्टेंस फेयर है सिर्फ उतना ही आपका खर्च होगा सेंटोसा आइलैंड जाने के लिए, और अगर आप टैक्सी पे या प्राइवेट कार से सेंटोसा आइलैंड में एंटर करना चाहते हैं तो आपका $2 से लेके $6 तक का चार्ज लग सकता है पर कार, मतलब एक कार का $2 से लेके $6 तक चार्ज हो सकता है, और टैक्सी फेयर वो अलग से। फ्रेंड्स, अब मैं आपको सेंटोसा के अंदर जो एट्रैक्शन है उसके बारे में बताऊंगा, जैसे कि टिकट प्राइस, रिक्वायर्ड टोकन क्वांटिटीज, टाइमिंग, और साथ ही साथ कुछ सजेशंस भी दूंगा। इस वीडियो में जनवरी 2019 के हिसाब से टिकट प्राइस और रिक्वायर्ड टोकन का क्वांटिटी बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करता हूं यूनिवर्सल स्टूडियो से। We'll be right back.
choosing targets and directing the fire of the guns. The enemy come by sea as we thought, so they're firing on the oil installation. सेंटोसा आइलैंड के अंदर आपको खाने पीने के लिए कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप इंडियन फूड खाना चाहते हैं तो आप इस समुद्र इंडियन रेस्टोरेंट का खाना खा सकते हैं। ये रेस्टोरेंट आपको मिलेगा मदम तुसन वैक्स म्यूजियम से थोड़ा आगे टाइगर स्काई टावर के बिल्कुल सामने। यहाँ पे आपको वेज नॉन वेज दोनों टाइप के फूड मिल जाएंगे, लेकिन वेज में ऑप्शन थोड़ा कम है और नॉन वेज में ऑप्शन थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पे आपको लंच $7 से लेके $14 के अंदर मिल जाएंगे। और अगर आप इंडियन फूड को छोड़ के कुछ और ट्राई करना चाहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केएफसी से लेके मैकडी और बिकिनी बार से लेके 7-11 तक सब कुछ मिल जाएगा। ये है 7-11 और मैं जा रहा हूँ अपने लिए कुछ लंच का बंदोबस्त करने। कोक $2.80। एग सैंडविच $2.90। फिश स्ट्रिप बर्गर $2.80। टोटल $8.50। पहले मुझे काउंटर पे जाके पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद मुझे इस सैंडविच और बर्गर को गर्म करना होगा, और खाना गर्म करने के लिए यहाँ पे माइक्रोवेव भी मौजूद है। अब अपना खाना गर्म कीजिए और बाहर ले जाके बिंदास खाइए। यहाँ पे आपको बहुत सारा खाने का ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे कि 2 मिनट्स मैगी, टी, कॉफी और भी बहुत कुछ। और इसे बनाने के लिए हॉट वाटर का मशीन भी यहाँ पे रहता है। फिलहाल मेरा सैंडविच और बर्गर रेडी हो गया है। आपको 7-11 पूरे सिंगापुर और सेंटोसा आइलैंड में बहुत सारा मिल जाएंगे और सबका सिस्टम एक ही है।